हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 अहम शब्द हैं जो 70 साल से हमें एकता के सूत्र पिरोए हुए हैं। वो हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और आगे सामाजिक आर्थिक न्याय बंधुता जैसी तमाम बातें लिखी हैं। कहने का मतलब ये है कि हजारों साल से हम भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते हैं, भारत और भारतीयता की बातें करते हैं, लेकिन जब इसी बात को देश के किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा आदमी बोलता है तो सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। यही संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद भी ऐसा ही देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल से एक साथ हैं, डीएनए समान है, फिर मीडिया में भी उनका बयान आया। हालांकि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया, यानी भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता और डीएनए वाले बयान को सियासी दल नफा नुकसान के हिसाब से अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। इस बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा और कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और बहस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। लेकिन धर्म और वर्ण के अवरण से अलग संघ प्रमुख को बात कर रहे हैं जो इतिहास का हिस्सा है। ये मिथ ही अतीत का वो सच है जो दस्तावेजों में दर्ज है, और अब समय आ गया है जब भारत में जातिगत असमानता और रंजिश थमे और भारत विश्व विजेता बनने की ओर अग्रसर हो।